पॉपलोज, दिस इज योर ओनली आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारी कृतिका बुक का एक बहुत ही इजी सा चैप्टर जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को जो छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकुमुकु बैठो एंड आज की इस एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिल लेते हैं, वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ मधु कांकरिया, इस पार्ट की लेखिका, और इस पार्ट में मैं तुम लोगों को अपनी सिक्किम की यात्रा के बारे में बताऊंगी। मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाती हूँ एंड रास्ते में मैं जो जो चीजों के बारे में देखती हूँ, समझती हूँ एंड जो जो चीजें मैं देखती हूँ उसी के बारे में मैं तुम लोगों को पार्ट में बताऊंगी। हाय ब्रो, मैं हूँ जितेन नारगी और इस चैप्टर में मैं एक गाइड के साथ साथ एक ड्राइवर हूँ। तो यार मुझे नहीं ना भूल गए तुम लोग, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को इस पार्ट के मेन प्लॉट से रूबरू करवाएगा, यानी कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इस पार्ट के मेन मेन प्लॉट्स। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो हमारा जो पार्ट है वो शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि जो लेखिका है हमारी वो गैंगटॉक शहर की तरफ रात में देख रही होती है एंड ये जो शहर है वो लेखिका को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है क्योंकि जो शहर था वो तारों के जैसा चमक रहा था, यानी कि टिमटिमा रहा था। ऑब्वियसली रात का टाइम था तो सारे घरों में लाइट्स चल रहे थे एंड लेखिका को यही सीन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है एंड लेखिका को लगता है कि ये जो रात है, ये जो गैंगटॉक का शहर है वो उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। अब सुबह का टाइम आता है एंड जो हमारी लेखिका है वो एक प्रेयर गाती है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दुरो प्रार्थना हमरा जीवन तुमरो कसौली। इस प्रार्थना का ये मतलब था कि अपने हाथों को अच्छे से जोड़ो और प्रार्थना करो कि हमारा जो जीवन है वो अच्छाइयों को समर्पित हो। ये जो प्रार्थना था, ये प्रार्थना लेखिका ने सुबह सुबह ही एक नेपाली युवती यानी कि एक नेपाली लड़की से सीखा था। अब हमारी जो लेखिका है वो हमें बोलती है, सुबह सुबह हम लोगों को युमथांग के लिए निकलना था लेकिन जैसी मेरी आँख खुलती है नींद से तो मैं तुरंत ही बालकनी की तरफ भागती हूँ झट से, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था कि बालकनी से कंचनजंगा आराम से दिख सकता है। हल्के हल्के बादल होने की वजह से मुझे कंचनजंगा नहीं दिख पाता है लेकिन मैं बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों को देखती हूँ। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पे युमथांग था, यानी कि घाटिया थी, जिसे हम लोग देखने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगी हमें बताते हैं कि रास्ते में हम लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर फूल देखेंगे एंड और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। अब हमारी लेखिका बहुत ही उत्साह से जो गाइड होता है उनसे पूछती है, क्या वहाँ बर्फ भी मिलेगी? चलिए तो अब वो लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और जर्नी शुरू करते ही सबसे पहले वो लोग पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ों को देखते हैं जो कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो लोग अब पहाड़ी रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। जो वहाँ के लोग थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते थे, इसलिए उन्होंने जगह जगह पे सफेद और रंगीन पतिकाएं लगा के रखी थी। अब पतिकाएं का मतलब क्या होता है, सफेद और रंगीन झंडियां उन्होंने बहुत जगहों पे लगा के रखी थी जो लेखक और उनकी टीम देखते हैं रास्ते में। अब जो गाइड होता है वो इन सफेद और रंगीन झंडियों के बारे में बताता है एंड इसका रीजन बताता है कि बौद्ध धर्म के लोग इसे आखिर जगह जगह पे क्यों लगाते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की यहाँ डेथ होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पे 108 सफेद झंडियां लगाई जाती है और वो उतारी नहीं जाती बल्कि समय के साथ खुद ब खुद नष्ट होते जाती है। और कभी कभी कुछ नई कार्य का शुरुआत होता है, कोई अच्छा कार्य होता है तो शहर में रंग बिरंगे झंडियां लगाई जाती है। गाइड बोलता जा रहा था और हमारी जो लेखिका थी उनका जो नजर था वो जीप में लगी दलाई लामा की एक तस्वीर पे ही टिकी हुई थी। जो लेखिका थी वो ये जो तस्वीर है वो बहुत सारे दुकानों में भी देखती है एंड सेम तस्वीर दलाई लामा का उनकी जीप में भी लगी हुई थी। अब लेखिका वो जगह पे देखती है जहाँ पे फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी, उस जगह का नाम था कवि लॉन्गस्टैंग था। अब हमारी जो लेखिका है वो एक स्मारक पत्थर देखती है, ये जो स्मारक पत्थर था ये लेमचा और भूटिया नाम के दो ट्राइब के बीच की शांति वार्ता का शुरुआत स्थल था। अब मैं एक कुटिया में एक चक्र को देखती हूँ जो घूम रहा होता है और उसके बारे में मुझे जितेन कुछ ऐसी बात बताता है जिसे मैं सुन के शॉक्ड हो जाती हूँ। ये प्रेयर व्हील है और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं जिंदगी के।
धीरे धीरे वो लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे एंड जो सारे घर थे ऊंचाई से वो उन लोगों को छोटे छोटे दिख रहे थे और हिमालय जो था वो लोगों को बड़ा दिख रहा होता है। रास्ते छोटे छोटे और घुमावदार होने लगे। बीच बीच में वो लोग रंग बिरंगे फ्लावर्स भी देखते हैं। उन लोगों का जीप कच्चे पक्के रास्ते से होता हुआ हरियाली वाले रास्ते से आगे बढ़ रहा था और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेखिका बोलती है, इतने अच्छे दृश्य को देख के सारे सैलानी खुशी खुशी गाना गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं चुपचाप अपनी सीट में बैठी होती हूँ। मैं सिर्फ खिड़की से बाहर सुंदर सुंदर दृश्यों को देख रही होती हूँ। मैं अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाल कर देखती हूँ कि बहुत ही सुंदर सुंदर पर्वत है। मैं अलग अलग झरने को देखती हूँ, मैं सुंदर आसमान को देखती हूँ, मैं तिस्ता नदी को देखती हूँ और ये सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दे रही होती है। मुझे हिमालय को सलाम देने का भी मन करता है और तभी अचानक जीप रुकती है और हमारे सामने सेवन सिस्टर वाटरफॉल था। सारे लोग जीप से उतरकर फोटो क्लिक करने में बिजी हो जाते हैं। मैं एक पत्थर पे जाती हूँ जो सेवन सिस्टर फॉल के पास था, वहाँ जाती हूँ, उस पे बैठ जाती हूँ और प्राकृतिक दृश्यों का मजा लेती हूँ। जैसे ही मैं अपने पैरों को पानी में डालती हूँ तो मेरा जो दिल होता है वो काव्यमय हो जाता है, सत्य और सौंदर्य को भी छूने लगता है मेरा दिल। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं एंड रास्ते में फिर वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो और भी मनमोहक दृश्य देखते हैं। कहीं हिमालयस की शोभा हरी थी तो कहीं पीली थी और कई जगहों पे जो हिमालय का शोभा था वो पथरीली दिख रही थी उन लोगों को। अब अचानक क्या होता है जानते हो? अब अचानक पूरे एटमॉस्फेयर को यानी कि पूरे पहाड़ों को बादल ढक देते हैं, यानी कि घने बादल पूरे पहाड़ों को घेर लेती है। एंड फिर कुछ देर बाद जब बादल छटते हैं तो लेखिका के सामने बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। लेखिका को ये दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड फिर उसे लगता है कि वो ईश्वर के यानी कि भगवान के बहुत ज्यादा पास है। ऑब्वियसली पास तो है ही, कुछ भी 19-20 हुआ बस लेखिका समझ जाओ, तो वो तो पास है ही एक तरह से देखोगे। तो लेखिका भी वही बोल रही है कि उन्हें लगता है उस वातावरण को देखकर लेखिका को लगता है कि वो ईश्वर के बहुत ज्यादा पास है। इस वातावरण को देखकर जो लेखिका है वो सुबह वाला प्रेयर फिर से रिपीट करने लगती है और गाती है साना साना हाथ जोड़ी और आगे पूरा प्रेयर वो गा लेती है। ठीक है, अब लेखिका पहाड़ी औरतों को देखती है जिनके हाथों में हथौड़े होते हैं एंड वो हथौड़े से मार मार के पत्थरों को तोड़ रही होती है एंड रास्ता बना रही होती है। कई औरतों की पीठ पे तो बच्चे भी टंगे हुए थे एंड वो लोग बहुत ही मेहनत से अपने काम को कर रहे थे। इसे देखकर लेखिका को थोड़ा बुरा लगता है कि वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं एंड इन पहाड़ी औरतों को तो बहुत कम वेजेस में इतना मेहनत वाला काम करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ती है लेखिका और हमें बताती है कि यानी कि जो चैप्टर है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और बताया जाता है कि वो लोग धीरे धीरे करके और ऊंचाइयों में बढ़ते जा रहे थे। अब वो लोग 7-8 साल के पहाड़ी बच्चों को देखते हैं जो स्कूल से लौट रहे थे एंड उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। हर रोज ये जो बच्चे हैं वो 3 किलोमीटर पहाड़ में चढ़कर स्कूल जाते हैं पैदल। अब गाइड से मनी जो कि उन लोगों की दोस्त थी एंड साथ ट्रैवल कर रही थी वो गाइड से पूछती है, क्या यहाँ पे एक भी स्कूल बस नहीं है? मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है। यहाँ पे केवल एक ही स्कूल है और जिन बच्चों को पढ़ना होता है उन्हें कोई भी हालत में इसी स्कूल में एडमिशन लेना होता है। और ये जो बच्चे हैं बहुत सारे इनमें से जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने के बाद शाम में काम करने भी जाएंगे और मैं भी अपने बचपन में काम करने जाता था स्कूल के बाद। खतरा अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगता है, जो रास्ते थे वो और ज्यादा छोटे होते जाते हैं एंड बस जीप जितना ही जाने का रास्ता बचता है एंड उसमें ही जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। कई जगहों पे वार्निंग बोर्ड्स भी लगी हुई थी एंड उसमें लिखा हुआ था ध्यान से सावधानी से चले, बच्चे आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। तो तुम लोग एक बात बताओ कि अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसके घर में बच्चे कैसे इंतजार करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग। एंड हाँ यार, अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? इंतजार कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि भैया सब्सक्राइब कर दिया हमने, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा और आगे बढ़ने पे वो लोग याक को देखते हैं एंड अब सूरज ढल रहा था यानी कि शाम हो रहा था और शाम से अब अंधेरा हो रहा था।
वो लोग पहाड़ी औरतों को देखती है जो अपनी गायों को चराकर वापस घर ला रही थी एंड अपने सर पे कईयों ने बहुत सारा वुड बांधकर रखा था एंड वो अपने घर ले जा रही थी उन लकड़ियों को। फिर वो लोग चाय बगान देखते हैं एंड चाय बगान पे वो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर युवती वहाँ पे काम कर रही होती है, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ वहाँ काम कर रही थी। तो यार अब आगे लेखिका बोलती है, युमथांग जाने के लिए हम लोगों को लायुंग नाम का एक बस्ती में रुकना पड़ता है रात में। ये जो बस्ती थी ये बहुत ही ज्यादा शांत थी। तिस्ता नदी के साइड में एक लकड़ी का घर था, उस लकड़ी के घर में ही हम सभी लोग रुकते हैं। मुंह हाथ धोकर मैं तिस्ता नदी के किनारे पे बिखरे पत्थरों में जाकर बैठ जाती हूँ। सामने बहुत ही ऊंचाई से झरना नीचे गिर रहा होता है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे उस हवा में झूम रहे थे। अब लेखिका सोचती है कि हमारी नई पीढ़ी ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है एंड उन्होंने ये काम बहुत ज्यादा गलत किया है। अब वो तिस्ता नदी के पास बैठकर प्रार्थना भी करती है और उसके बाद उस लकड़ी के घर में वो लोग रात भर डांस भी करते हैं। लायुंग की सुबह बहुत ही ज्यादा शांत थी, लेखिका अकेली ही टहलने निकल जाती है एंड वो सोचती है कि शायद उन्हें बर्फ भी मिल जाए रास्ते में, लेकिन वहां पे बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। वो लोग सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पे थे, तो तुम लोग इमेजिन कर लो कि कितनी ज्यादा हाइट पे थे वो लोग इस वक्त। अब लेखिका को घूमते हुए एक नौजवान लड़का देखता है और उन्हें बोलता है, पॉल्यूशन के चलते दिन ब दिन यहाँ पे स्नोफॉल कम होते जा रही है, अगर आपको स्नोफॉल या फिर बर्फ देखना है तो आप कटाव चली जाओ, वो भारत का स्विट्जरलैंड है और यहाँ से 500 फीट की ऊंचाई पे है और करीब यहाँ से आप ट्रैवल करके जाते हो तो 2 घंटे का समय आपको लगेगा, आप वहाँ जा सकती हो अगर आपको बर्फ देखना है तो। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना में जो लेखिका है वो डिसाइड करती है कि वो कटाव जाएगी एंड वो लोग कटाव के रास्ते पे फिर सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। कटाव का जो रास्ता था वो और ज्यादा खतरनाक था, रास्ते और ज्यादा छोटे छोटे थे एंड रास्ते में बहुत ज्यादा फॉग था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी एंड बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण जो जितेन था वो गाड़ी बहुत ही मुश्किल से चला रहा था, यानी कि अंदाजे से चला रहा था। जितेन लगभग में अपने अनुमान से गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि बादलों ने सभी कुछ, आकाश, पेड़ पौधे, माउंटेन सभी कुछ ढक दिया था। बादलों को चीरते हुए हमारी जीप आगे की ओर बढ़ रही थी, एक गलती होती और हम सब मारे जा सकते थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि इस सिचुएशन पे, हमारी सांस लेने की आवाज को छोड़कर आसपास कोई भी जीवन नहीं था। थोड़ी ही दूर दूर पे अलग अलग चेतावनी लिखी हुई थी। अब आधे रास्ते बाद जो धुंध होता है वो हट जाता है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि हमें दूर से बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे। अब जितेन एक्साइटेड होकर बोलता है, सब कोई देखिए कितना ताजा बर्फ है यहाँ पे, लगता है रात में ही बर्फबारी हुई है। अब वो लोग जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ पूरे साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। पहाड़ पे जो बर्फ था वो चांदी के जैसे चमक रहा होता है। अब हमारी जो लेखिका है वो अपने सिर को विंडो से बाहर निकालती है, यानी कि जीप के विंडो से बाहर निकालती है एंड दूर दूर के नजारों का मजा लेती है। अब चमत्कार होता है और हल्का हल्का जो बर्फ होता है वो गिरना शुरू हो जाता है और वो जो बर्फ था वो मोतियों के जैसा चमक रहा होता है। जितेन अब गाना गाने लगता है और सभी सैलानी तुरंत ही जीप से उतरते हैं और वो लोग बर्फ में लोटपोट हो जाते हैं, यानी कि बर्फ में खेलने लगते हैं। घुटनों तक बर्फ थी और वो जो बर्फ था वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, बहुत सारे सैलानी लोटपोट होने लगते हैं बर्फ में, बहुत कोई फोटो खिंचवाने लगते हैं, यानी कि प्राकृतिक दृश्य का फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेखिका का भी मन था कि वो भी बर्फ में लोटपोट होए, बर्फ में खेले, बर्फ में दौड़े, लेकिन जो लेखिका थी उनके पास जूते नहीं थे जिससे वो बर्फ पे चल सकती थी, यानी कि समझ सकते हो कि बर्फ पे चलने वाले उनके पास जूते नहीं थे। लेखिका अब इन सारे दृश्यों को अपने अंदर समा लेना चाहती थी और फिर वो मन में ही सोचती है कि इसी सराउंडिंग में रह के हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। अब मनी बोलती है, देखो प्रकृति भी कितने नयाब ढंग से सारी चीजों का इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में पानी को स्टोर कर लेती है और यही बर्फ गर्मियों में पिघल जाती है एंड फिर यही बर्फ से सारे एशिया को पानी मिलती है।
वहाँ नजदीक में ही चीन का बॉर्डर था। अब लेखिका जो है वहाँ जाके सैनिकों से भी मिलती है एंड उन्हें देखकर लेखिका थोड़ा भावुक भी हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो सैनिक है वो कितने ठंड में, कितने हार्श कंडीशन में हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। अब कटाव से युमथांग के लिए लेखिका का सफर शुरू होता है और फिर वो युमथांग के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो प्रियोता और उडैंड्रो के सुंदर सुंदर फूल देखती है। युमथांग कटाव जितना सुंदर बिल्कुल भी नहीं था। तब हमारी लेखिका को समझ आता है और महसूस होता है कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक मंजिल तक का सफर होता है। मैं वहाँ पे अब एक सिक्किम की लड़की से मिलती हूँ जो अपने आप को इंडियन बोलकर संबोधित करती है और इसे सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लोग अपने आप को केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रख रहे थे। अब लौटते वक्त मैं पहाड़ी कुत्तों को भी देखती हूँ। अब जितेन बताता है सबको, आगे पत्थर में गुरु नानक जी की फुटप्रिंट्स भी है और माना जाता है कि उनके प्लेट से एक दाना चावल नीचे गिर गया था, जिसके कारण यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। जानते हो तुम लोग, यहाँ पे नदी, पहाड़, प्रकृति सभी चीजों की पूजा की जाती है एंड उन्हें पूजा जाता है। युमथांग पहले टूरिस्ट प्लेस नहीं था, कैप्टन शेखर दत्ता के सुझाव पे ही इसे टूरिस्ट प्लेस बनाया गया और यहाँ के अलग अलग रास्तों को ढूंढा गया। लेखिका अब अपने मन में सोचती है कि मनुष्य की यही असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। और फिर जीप आगे बढ़ जाती है और हमारी जीप यहीं पे रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को चैप्टर पूरा क्लियर आउट हो गया होगा। कहीं पे भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछना। अब तुम्हारे स्क्रीन पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे अच्छे से कर लेना। आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां मैं तुम लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पे नए होगे देन सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे पता है पॉपुलर का। तो अब चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.